स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जिला बिलासपुर के घुमारवीं तहसील के भराड़ी पंचायत में पहला कूड़ा संग्रहण केंद्र बनकर तैयार हो गया है और इस कूड़ा संग्रहण केंद्र पर स्थानीय लोगों द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं पंचायत प्रधान हिमराज से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये कूड़ा संग्रहण केंद्र बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जिला बिलासपुर के घुमारवीं तहसील के भराड़ी पंचायत में पहला कूड़ा संग्रहण केंद्र बनकर तैयार हो गया है और इस कूड़ा संग्रहण केंद्र पर स्थानीय लोगों द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं पंचायत प्रधान हेमराज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये कूड़ा संग्रहण केंद्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि शहरों के तर्ज पर गांव में भी घर घर कूड़ा इकट्ठा होगा, जिससे गांव में गंदगी नहीं फैलेगी और हमारा वातावरण भी उससे साफ सुथरा रहेगा। उन्होंने बताया कि इस केंद्र पर पंचायत में ट्रायल के तौर पर बाजारों इत्यादि से डेली कूड़ा एकत्रित करने का अभियान चलाया गया है, जिसमें गीला कूड़े को छोड़कर बाकी सभी तरह के कूड़े को इकट्ठा करने के लिए लोहट चौक पर दो बैग भी रखे गए हैं। इनमें से एक थैले में कांच की बोतलें और प्लास्टिक की बोतलें डालने की सूचना पट्टिका लगाई गई है, जबकि दूसरे थैले में प्लास्टिक लिफाफा और रैपर आदि डालने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले माह इस कूड़ा संग्रहण केंद्र को जनता के लिए समर्पित किया जाएगा, ताकि भराड़ी पंचायत के लोग स्वच्छ रहें, ताकि भराड़ी में कोई भी गंदगी ना फैले और हमारा वातावरण भी साफ सुथरा रह सके। हमने जो कूड़ा नियंत्रण केंद्र बनाया है, हमारा जो सरकार की तरफ से हमें आदेश मिला उसके आधार से हमने बनाया। इसका मेन मोटिव था कि जो शहरों में गलियों में स्कूलों के पास या छोटे छोटे कस्बों में जो गंदगी पड़ती थी, प्लास्टिक ऐसे बिखरा रहता था जिससे भूमि भी बंजर होती थी और तरह तरह की नालियाँ भी बंद हो जाती थी, तो इस वजह से हमने इसको जो है बनाया। और इसको बनाने से जो है हमारे 735 परिवार, लगभग 735 परिवार जो है लाभान्वित हुए। और हम ये संदेश देना चाहते हैं जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो सरकार ने पैसा दिया है उसका जो ऐसे नियंत्रण केंद्र बनाने के लिए सभी पंचायतें जो बनाए, और ये जो कूड़ा नियंत्रण केंद्र बनाया है ये पूरे जिले में हमारी पहली पंचायत है जिसने पहला बनाया हुआ है।